नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है 5:25 बड़ी खबरों का। केरल में कोरोना बेकाबू, पांचवे दिन भी 20,000 से ज्यादा केस। तमिलनाडु और कर्नाटक ने उठाए सख्त कदम। दिल्ली और यूपी में हो सकती है झमाझम बारिश, राजस्थान और एमपी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कांग्रेस और बीजेपी को पंजाब में झटका देने का आपने बनाया मास्टर प्लान, सीएम चेहरे के साथ उतरेगी मैदान में। भारतीय छात्रों के विदेश जाने की रफ्तार थमने की कवायद, देश उच्च शिक्षण संस्थानों ने उठाया कदम। असम मिजोरम के बीच खत्म हो रहा है तनाव, सीएम बिस्वा ने सांसद बनलाल वेना के खिलाफ वापस लिया एफआईआर। यूपी में मुहर्रम पर न ताजी और न जुलूस, रहेगा सख्त पहरा, शिया समुदाय सर्कुलर पर नाराज। छोटे दलों को एक साथ लाने की मुहिम में अखिलेश यादव, बीजेपी को यूपी की सत्ता से बाहर करना ही है लक्ष्य। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग, कोरोना के कारण 1200 वोटर पर बनेगा एक बूथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन पर पीवी सिंधु और हॉकी टीम को दी बधाई। सोलह अगस्त से खुल सकते हैं स्कूल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ ने किया आगाह, कहा कोविड-19 की वजह से चीजें खराब होने वाली है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, कई लोगों की गई जान। चीन के 18 प्रांतों में फैला डेल्टा वेरिएंट, ब्राजील में 910, रूस में 789 की मौत, अमेरिका में 1,00,000 से ज्यादा मामले मिले। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस बोले, कोरोना के कारण शिक्षा के संकट से गुजर रहा है विश्व। म्यांमार के सैन्य नेता ने खुद को प्रधानमंत्री किया घोषित, कहा 2023 में चुनाव कराए जाने की बनाई जा रही है योजना। बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा पत्र, कहा नहीं होना चाहिए कश्मीर प्रीमियर लीग का आयोजन। हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत पर पंजाब में जश्न, अमृतसर की गुरजीत बनी जीत की हीरो, पिता बोले बेटी पर है गर्व। महिला हॉकी टीम ने रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। अफगानिस्तान क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता ने दिया इस्तीफा, बगैर मंजूरी के टीम की घोषणा का लगाया आरोप। ओमान देश को मिल सकती है T20 वर्ल्ड कप 2021 के 6 सुपर 12 मैचों की मेजबानी, रिपोर्ट आई सामने। 25 अगस्त से इंग्लैंड में फिल्म की शूटिंग करेंगे अक्षय कुमार, प्रोडक्शन डिजाइनर अमित रे बोले लंदन में शिमला जैसी लोकेशन को ढूंढकर करेंगे शूट। सोनू सूद अगले साल भारत के एथलीट्स की करेंगे अगुवाई, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू पर बनेगी फिल्म। मिमी की कामयाबी का राज, पेरेंट्स के साथ वर्ल्ड टूर पर था 3 साल का मासूम, 6 महीने से खोज रहे मेकर्स को गोवा में मिला था जैकब। जेनेलिया डिसूजा का खुलासा, अपनी शादी में रितेश देशमुख को 8 बार छूने पड़े थे दुल्हन के पैर।
अंकिता लोखंडे ने क्यूट अंदाज में बॉयफ्रेंड विकी जैन को किया जन्मदिन विश और दिया तोहफा, बोली वादा करती हूँ हर उतार चढ़ाव में साथ दूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।